डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम मिशन दिल्ली में आज बात होगी मटिया महल विधानसभा की, जिस विधानसभा में 1993 से शोएब इकबाल का ही कब्जा रहा है। 2013 विधानसभा में शोएब इकबाल ने जेडीयू की टिकट पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के जावेद अली अंसारी दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा आप तीसरे और बीजेपी चौथे नंबर पर रही। यहां के अहम मुद्दे पानी और बिजली है। वहीं सड़कों की भी हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में मटिया महल की जनता क्या सोचती है, सीधे चलते हैं जनता के पास। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आज पहुंचा हूं मटिया महल विधानसभा पर मिशन दिल्ली लेकर। तमाम लोग मौजूद हैं, उसके अलावा यहां पर नेता भी मौजूद रहेंगे जो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, साथ ही बीजेपी की नुमाइंदगी के लिए भी हमारे साथ नेता मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगभग 1,16,000 इस विधानसभा में वोटर हैं और पिछले 1993 से लेकर और अब तक यहाँ पर शोएब इकबाल का कब्जा रहा है। उनकी लगातार जीत होती रही है, कभी जेडीयू से, कभी एलजेपी से, और अब उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में इस बार की जनता क्या सोचती है, क्योंकि फिर से विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, पूरी तैयारी सभी पार्टियां करने में लगी हैं, कुछ के टिकट भी बट चुके हैं और कुछ लगे हुए हैं, लेकिन क्या सोचते हैं दूसरे नेता, ये बात पूरी तरह से होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है शकील अंजुम, वहीं कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ एन कुरैशी साहब मौजूद है, और बीजेपी के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय गौतम जी। ये तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और जनता जनार्दन भी मौजूद है जो अपने सवाल इन नेताओं से पूछेगी और नेताओं को जवाब देने होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी से करता हूं, आपको इस बार क्यों चुने यहां की जनता? पिछले तमाम सालों से लगातार जनता शोएब इकबाल को चुनती आ रही है, लेकिन कहां कमी रह गई कि आप पीछे पिछड़ रही है इस इलाके? आम आदमी पार्टी के 49 दिन की सरकार सबके सामने है और इस दफा यकीनन दिल्ली में जो है वो पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी लेके आ रही है। आम आदमी पार्टी से कुछ गलतियां हुई थी, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांगी है दिल्ली की जनता से और दोबारा मौका देने के लिए भी कहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस में इस बार शोएब इकबाल आ चुके हैं, जेडीयू का दामन उन्होंने छोड़ दिया है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस के टिकट पर वो फिर से यहाँ से जीत का परचम लहराएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीत का जो परचम है वो 1993 से अभी तक लहरा रहे हैं। जनता जो है पिछले 21 साल से उनके विकास पे, उनका जो इलाके के अंदर परफॉर्मेंस है उसके आधार पे हर बार वोट देती है और वोट तादाद बढ़ती है। पिछली मरतबा आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो रोल रहा 49 दिन की सरकार, उन्होंने एक बात कही थी कि हम बिजली को जो है आधा कर देंगे और पानी जो मुफ्त कर देंगे। पानी का आज तक एक बिल कोई दिखा दे मेरे को कि मुफ्त में पानी आया हो, 700 लीटर पानी ना तो मुफ्त हुआ, बिजली ना ही आधी हुई, हम दो राय पर रुक गए हैं अब यहाँ पर। अब हमारे को ये नजर आता है इस मटिया महल विधानसभा की जनता एक बार फिर करारा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी और आपको। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पिछड़ गई है, क्यों आखिर यहाँ पर जीत का परचम नहीं लहरा पाई इतने साल है, अब तो मोदी लहर भी आपको दिखाई दे, कितनी उम्मीदें लगती है कि इस विधानसभा से कैसे जीत पाएंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अभी चुनाव का रिजल्ट आएगा आपको पता लगेगा बीजेपी का प्रमंड लहरेगा। अभी आपने देखो होगा चारों स्टेटों के अंदर किस तरीके से बीजेपी आई है, जहां पे हरियाणा के अंदर, जहां पे कभी 11 सीटों से नहीं आई थी, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत आया है, जम्मू कश्मीर के अंदर 25 सीटें आई है, तो मोदी जी का जादू पूरा चल रहा है और मटिया महल के अंदर भी चलेगा। रही बात 49 दिन की सरकार की, आप सभी लोग जानते हैं कि 49 दिन की सरकार में काम किया या भागे, केंद्रीय सचिवालय से भागे, लोगों को झूठे वायदे करके भागे, बिजली पानी लोगों को जो ठेकेदारी पे कर रहे थे उन सबको बोला कि हम तुम्हें परमानेंट करा देंगे, वहां से भागे, और तो और जहां लोगों को बुला लिया उनकी समस्या सुनने के लिए वहां से दीवार तोड़कर भाग गए और किसी ने समर्थन वापस नहीं लिया। जनता ने अटूट प्यार दिया था उन्हें, अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार राजनीति में आए थे उसके बाद भी फिर भी 49 दिन में भाग गए, क्योंकि लालच बुरी बला है, वो उन्होंने सीएम से पीएम बनने का काम देखा और यहां से उठ के वाराणसी भाग गए, अब फिर दोबारा आ गए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ख्वाब देखा था सीएम से पीएम का, लेकिन सवाल यह है कि मटिया महल आखिर क्यों पिछड़ गया, आखिर पतली पतली गलियों में जाम क्यों रहता है, आखिर पीने के पानी की समस्या की दिक्कत है क्यों है, क्यों जल भरा हुई स्थिति रहती है, ये बड़े सवाल है। सीधा बातचीत करते हैं आपसे एन कुरैशी साहब, इसका जवाब क्यों देगा, ये इलाका पिछड़ क्यों गया, 21 सालों से तो यहाँ पर लगातार प्रचंड राज रहा है शोएब इकबाल जी का, कहां से इस बार पिछड़ गया, आखिर वहीं से क्यों हम यहाँ पे हैं? मैं आपको बता देता हूँ,
ये जब भी कोई डिबेट होती है या मीडिया का होता है, मीडिया का भी एक अपना परफॉर्मेंस होता है कि पूछना जनता के बारे में। इतनी जनता खड़ी है, 21 साल से विकास है, तभी तो रह गई बात गलियां पतली होने की। पहले भी गलियां पतली थी और आज भी गलियां पतली है। दूसरी बात ये विकास, तुर्कमान गेट पर मैं इस समय खड़ा हूँ, वहाँ के सामने पानी भरा हो रखा है पूरी तरह से, वो कहाँ से, साफ सफाई का कौन ध्यान देगा, आपकी कौन? मैं वही बात कहने जा रहा हूँ, हमारे सामने दुर्भाग्य ये है कि एमसीडी की आप कैमरा घुमा के दिखाइए, जिस जगह आप खड़े हैं मात्र आधा किलोमीटर भी नहीं है, वो सिविक सेंटर बना है जहां पर बीजेपी का पिछले 8-9 साल से कब्जा है। उन लोगों ने सिवाय सड़कों पर लोगों को गलत तरीके से बसाने के उन्होंने यहाँ पर कब्जा, तो यहाँ पर आपका है ना कब्जा, 21 साल से शोएब इकबाल जी का है ना। भाई आपको बताने जा रहा हूँ, जितना विकास यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं और जनता देख रही है, जहाँ तक आपने बात कही कि सड़क पे पानी, पिछले 8-9 साल से कंटिन्यू हम इस बात को कह रहे हैं कि लोग जो है मास्टिक के रोड चाहते हैं, बेहतरीन यहाँ पर सिविल लाइन चाहते हैं। 2 करोड़ रुपए की अभी राशन कार्ड के लिए लाइन लगानी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल आपको बता दूं, राशन कार्ड की जो आप बात कह रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर जनता आपके बीच में ऐसे खड़ी है, जनता से पूछिएगा, भी मेरे बात कैमरा जनता की ओर जाएगा कि विकास यहाँ पर राशन कार्ड की दिक्कत, क्योंकि मीडिया का पूछना फर्ज होता है, उनकी भी एक गाइडलाइन होती है, राशन कार्ड पूछो, पहचान पत्र पूछो, सड़क पूछो, सीवर पूछो, हमारा फर्ज होता है जनता जवाब दे, मेरे से बेहतर मेरी जनता जानती है, आपके चारों तरफ जनता खड़ी है। जनता से भी पूछूंगा, आप बताइए समस्या है कि नहीं है, और आम आदमी पार्टी क्या दूर कर पाएगी इस बार, क्योंकि विश्वास कैसे कर ले, आप तो छोड़कर चले गए थे, आप पर कैसे विश्वास कर ले इस बार? एक सेकंड, जब पिछले इलेक्शन में हमने जनता के बीच में इसी बात को लेकर गए थे कि 21 सालों में टिकटों को लेकर बगावत चल रही है पार्टी के अंदर, खुश नहीं है टिकटों को लेकर, अगर आम आदमी पार्टी से कहीं गलतियां हुई है बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी विकास चाहती है दिल्ली में, और इस खासतौर पर मटिया महल में 21 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन सवाल ये है ना, सवाल अंजुम जी ये है कि जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आई थी, जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस मुद्दे पर सपने दिखाए, वो तो छोड़कर चले गए, वो तो उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन लोगों की बात हो रही थी, वो तो उन्हीं लोगों को टिकटों के वितरण पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी दिल्ली की जनता से, और उसी को लेकर के हम जो काम हमसे रह गए थे उस काम को पूरा करने के लिए हम दोबारा मैदान में आए। और आम आदमी पार्टी में जो बगावत की बात चल रही है, कोई ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी से कई गलतियां हुई हैं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल बार बार माफी मांग रहे हैं। मैं अंजुम जी से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई शकील अंजुम जी पिछली मरतबा इलेक्शन लड़े, ये गरीब घर से हैं बेचारे, कमजोर हैं, लेकिन इस बार देखा अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने एक करोड़पति अरबोपति जिसका यूपी के अंदर भाई चेयरमैन रहा, उसको लेके आया अरबोपति को, ऐसा हो रहा है क्या? अमीर लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं क्या? ऐसा है, बहुत सारे टिकट देने में आम आदमी पार्टी से गलती हुई है, उसमें मटिया महल भी शामिल है। चलिए चलिए, आप बताइए बीजेपी कहाँ पीछे छूट गई अब तक, उनका टिकट कब आएगा, वो क्यों छुप है अब तक? भाई हमारे भाई हैं, उनकी एक बात का जवाब दे देता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी है जिसके ये अंजू भाई नुमाइंदगी कर रहे हैं, किस किस बात की गलती मानेंगे? आम पार्टी ने किस किस बात की गलती मानेंगे? 49 दिन से लेकर 8 तक गलती करते आ रहे हैं। तो बोलते हैं ना बीजेपी कांग्रेस एक है, ये तो बोलते हैं। नो, काट की हांडी एक बार छटती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। रही भाई शोएब साहब ने सबसे पहले वो आदमी थे जिन्होंने आम पार्टी को सपोर्ट किया था। लेकिन ये बात बोल, नगर निगम में शोएब साहब के बेटे जो है वो यहाँ से निगम पार्षद है, 2 साल यहाँ पे चेयरमैन भी रहे हैं, पहले इनके भतीजे रहे थे। आप ये देखो, विकास है क्या विनाश हुआ है? आप बताइए, ये बताइए क्या समस्याएं क्षेत्र की? समस्याएं तो भाई साहब यहाँ पर जो है आबादी इतनी है कि समस्या तो यहाँ रहती है, लेकिन मसला कहने का यह है कि एक समस्या यहाँ पर इतनी जबरदस्त थी कि आज से 21 साल पहले यहाँ पर साल के अंदर 3 मरतबा कर्फ्यू लगता था, हिंदू मुस्लिम राइट होता था, जिस दिन से हमारे शोएब बाल सुरक्षा मिली है। आप बताइए, आप एक युवा है, क्या रोजगार मिल पाया यहाँ पे? मैं बताता हूँ, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अच्छा। शेखवाल जी ने क्या करा है यहाँ पर? अच्छा। आप क्या कह सकते हो? हम ये कह सकते हैं शेखवाल ने क्या करा है, कोई अच्छा स्कूल नहीं दिया बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, और कोई अच्छा, हमारे घर वाले कभी जाते किसी काम के लिए शेखवाल जी के पास तो कहते आपने वोट नहीं दिया, मैंने 500 रुपए आपको दिए जो आपने मुझे वोट दिया है। बहुत बड़ा आरोप आम जनता आप पर लगा रही है, आम जनता ने आप पर आरोप लगाया कि पैसे टिकट देगा, अब इस पर क्या जवाब देगी कांग्रेस? इस टाइम जो डिबेट हो रही ना, बीच में जब जिसको बोलना तो स्कूल नहीं है यहाँ पर, देखिए जाते मिलते नहीं, अगर सुन, एक सेकंड भाई, बोलने की ताकत रखते हो तो सुनने की भी रखो। मैं आपको बताऊं, इस टाइम
कांग्रेस के भी यहाँ पर 8-10-12 लोग हैं। आप जवाब दीजिए ना, मिलने जाते हो, मिलते क्यों नहीं जवाब? आप ऐसे नहीं होता, अगर आप एंकर हो तो आपके तरीके से बोलूं मैं, अपने अपना बोलिए ना आप। तो यार बोलने तो दो, 15 लोग इधर आप पार्टी के, 15 लोग बीजेपी के, 15 कांग्रेस। मेरा सवाल आपको समझ नहीं आएगा, मेरा सवाल सीधा सा है, वो उनसे मिलने जाते हैं वो मिलते क्यों नहीं? हाँ या ना ये बताइए। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अगर किसी का रिकॉर्ड है वो शुएब इकबाल का, और आपने जो बात कही थी हर बार नए, एक सेकंड, हर बार नए निशान से, अबे यार हर बार नए निशान से लड़ते हैं, वो यही खासियत है कि आवाम जो है वो जितवाती है, सिर्फ उसके विकास में 24 घंटे दर खुले रहते हैं, और आने वाले 100 साल तक अल्लाह उसके परिवार की और उसकी इज्जत रखे, इसी तरह चलिए। और लोग भी हैं, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए सर। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कोई काम नहीं हुआ, आगे आ जाइए, कहने को उर्दू में कोई शादी दिया है, कोई सर कहने को उर्दू मीडियम स्कूल में, और उर्दू कोई टीचर नहीं, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। मेरा घर डीडीए का है, मैं शोएब जी का ऑफिस गया, मैंने कहा मेरा काम सही नहीं करा, के लिए लोग भाई एक किल भी करवाने शोएब बाल के पास आते हैं, मैं काम नहीं करूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। सवाल बड़े हैं शिक्षा के, एन कुरेशी साहब शिक्षा के क्षेत्र में, इलाका पिछड़ा हुआ है क्या शिक्षा के क्षेत्र? देखो 21 साल के अंदर ये तुर्कुमा गेट का बस स्टॉप है, आप सामने देखो, आज तक यहाँ पे शेल्टर नहीं लगा। हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ से बस पकड़ते हैं, बहनें, बच्चे, बेटी और आदमी, बुजुर्ग लोग, लेकिन यहाँ पे आज तक कभी शेल्टर की व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ से लेके वहां तक देख लो, ये विकास है यहाँ पर। 21 साल के अंदर इन्होंने ये विकास नहीं किया, इन्होंने विनाश ही विनाश किया है। इस साल का जवाब दे दूं, यहाँ की जनता ये तो खड़ी है, सवाल उठ रहे हैं, कुरैशी साहब सवाल तो लो ना, देखिए मैं आपको, देखिए थक जाओगे, एक सेकंड, सबसे ज्यादा आपको बताऊं, सबसे अरे होता है जब बोल चुके जनता सुन, जनता ही सुन रही है। 21 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो शादी कर दिया शुएब इकबाल ने, और सबसे ज्यादा स्कूल जो खुलवाए वो शुएब इकबाल ने, 21 साल के अंदर वोट दो दे रही थी पब्लिक। चलिए बस एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत मैं लौटता हूँ। बात इसी मसले पर हो गई कि आखिर किस तरह से इस इलाके में हुआ विकास, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूँ।